स्टूडेंट्स, आज हम लिखेंगे अपनी क्लास नाइन्थ का प्रोजेक्ट नंबर दो। ठीक है, इसका विषय रहेगा बीजगणितीय सर्व समीकरण, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक दूसरी सर्व समीकरण है हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्रियात्मक निरूपण करना। ठीक है, तो आपका मैं सब विषय यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बीजगणितीय सर्व समीकरण जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तथा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्रियात्मक निरूपण करना। ये हमारा विषय हो गया। ठीक है, अब अगले हेडिंग रहेगी हमारी इसी में यहीं पर, उद्देश्य। ये तो विषय था हमारा, तो हमारा आएगा उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे सभी बीजगणितीय सर्व समीकरणों को भलीभांति समझना। सभी बीजगणितीय सर्व समीकरणों को भलीभांति समझना। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। अब हम अपनी पहली सर्व समीकरण का लिखेंगे। नंबर वन, सर्व समीकरण जो हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की जांच करना। चलिए, इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए होगी, अगली हेडिंग हमारी वो रहेगी। आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री में हमारा आएगा कार्डबोर्ड, इसके बाद चमकीला रंगीन कागज, चमकीला रंगीन कागज हो गया, इसके बाद सफेद कागज चाहिए होगा हमें एक,
गोंद, ग्लू इसे कहते हैं हम लोग, कैंची यानी सीजर, और ज्यामितीय बॉक्स जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स आता है वो चाहिए हमें। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, इसके वर्किंग मेथड क्या है देखते हैं। देखिए क्रिया विधि, ये सभी हेडिंग हैं जो मैं लाल रंग से लिख रहा हूँ, ये आप काले कलर से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा, हम ए तथा बी ए तथा बी के भिन्न भिन्न मान लेंगे। जैसे हमारे सर सम का ए प्लस बी है, तो ए का मान मान लिया हमने 5 ले लिया, और बी का मान ले लिया हमने 3। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी के हम अलग अलग मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे हम, अगला पहला पॉइंट आएगा हमारा, चमकीले कागज पर ए इकाई, ए इकाई, अब ए का मान हमने कितना लिया, मतलब 5। ठीक है, तो 5 इकाई, इकाई का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर या 5 इंच, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मान चल रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, या 5 इकाई भुजा का एक वर्ग खींचते हैं। का वर्ग खींचते हैं, तथा ए इकाई व बी इकाई, ए इकाई लंबाई व बी इकाई चौड़ाई। ठीक है, अब हमने ए को 5 माना है और बी को 3 माना है, तो 5 इकाई लंबाई यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई व 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का के दो आयत खींचते हैं, के दो आयत खींचते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक काम और करेंगे, इसी में बी इकाई भुजा यानी कि 3, बी का जो हमने 3 मान रखा है, 3 इकाई भुजा का एक वर्ग भी खींचते हैं। खींचते हैं मतलब बनाना है, ठीक है, बनाते हैं हम लोग, बनाएंगे इसे, खींचते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट रहेगा हमारा इसमें, सफेद कागज को कार्डबोर्ड पर
चिपका देते हैं। ठीक है, इस पर ए प्लस बी। अब इसका मतलब समझिए, ए का मान 5 और प्लस बी का मान 3, यानी कि 5 और 3 8 इकाई। हमने इकाई ले रखी है सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ए बी सी डी खींचते हैं। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेंगे, इस पर सफेद कागज लगा देंगे हम लोग, और उस कागज पर ए प्लस बी इकाई, मतलब ए का मान जो हमने 5 माना है और बी का मान 3 माना है, तो 5 प्लस 3 8 इकाई मान रखे हमने सेंटीमीटर में, यानी कि उस कागज पर हम 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, नंबर 3 में चमकीले रंगीन कागज से दोनों वर्ग ठीक है, तथा दोनों आयत काट लेते हैं। जो हमने पॉइंट नंबर 1 में बताया था आपके लिए कि चमकीले कागज पर ए इकाई भुजा का वर्ग खींचते हैं तथा ए इकाई लंबाई और बी इकाई चौड़ाई के दो आयत खींचते हैं और बी इकाई भुजा का एक वर्ग खींचते हैं, तो सबको काट लेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, उसी में से हम लोग काटेंगे, काट लेते हैं। तथा उन्हें सफेद कागज पर चिपका देते हैं। इन्हें वर्ग ए बी सी डी में चित्र के अनुसार व्यवस्थित करके चिपकाते हैं। ये आपका वो चित्र है, इस हिसाब से हम इन्हें चिपका लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले एक ए एक ठीक है ए इकाई भुजा, ए इकाई का मतलब 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाते हैं। देखिए ये हमारी 5 सेंटीमीटर लंबाई है, यहाँ तक का एक वर्ग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा ए इकाई भुजा का वर्ग बन गया है। ए इकाई मतलब 5 सेंटीमीटर, हमने इसे फिलहाल अभी 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं इसी पे बी इकाई भुजा का एक वर्ग। अब बी हमने कितना माना है बेटा, 3। ठीक है, तो हम 3 सेंटीमीटर भुजा का एक और वर्ग बनाते हैं। इस पे देखिए,
और अगर आपको बराबर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चांदी से भी बना सकते हैं, इसमें अभ्यांश का कोण इस तरह से। वन टू थ्री, ठीक है। फिर हम इस पर एक बार और 90 का कोण बनाएंगे चांदे से, वन टू थ्री। एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर ये भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्ब हो गया है, इसकी लंबाई है हमारी ए इकाई भुजा और इसकी है बी इकाई, ठीक है। इसको हम दिखा देंगे इस तरह से कुछ, चलो इसे बाद में दिखा देंगे फिलहाल। अब एक दूसरे कलर के कागज़ पे हमें दो आयत बनाने हैं जिसकी लंबाई होनी चाहिए ए इकाई और चौड़ाई होनी चाहिए बी इकाई, ठीक है। हमने दूसरे कलर के कागज़ पर दो आयत बना लिए हैं जिनमें से इनकी लंबाई ए इकाई तथा चौड़ाई बी इकाई, अर्थात लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब हम सभी को काट लेंगे, ठीक है। इन्हें काटना थोड़ी सावधानी बरतें। अब हम लोग सफ़ेद कागज़ को कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे, ठीक है, और इस पर ए प्लस बी इकाई भुजा का एक वर्ग बनाएंगे। तो सफ़ेद कागज़ का मतलब है आप अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके इस वाइट वाले पेज पर एक वर्ग बनाएंगे जिस, ठीक है, जो ए प्लस बी इकाई, यानी ए का मतलब हमने 5 लंबाई है और बी का मतलब 3, तो 5 प्लस 3 यानी 8 इकाई यानी 8 सेंटीमीटर का एक हम वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट फाइल पर हम 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, अब हम, ठीक है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम एक, और इस साइड पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
तो हमने अब 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना लिया। यहाँ पे 8 का मतलब हमारा ए प्लस बी इकाई से है। अब हम लोग इन पे ये जो हमारा ए इकाई भुजा का वर्ग है इसमें पेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से ग्लू लगाएंगे इसमें हम, जिससे कि ये छोटा ना हमारा। ठीक है, हमने इसमें ए इकाई भुजा का एक वर्ग लगा दिया। अब जो हमारा दूसरा वर्ग है इसकी भुजा बी इकाई है, ठीक है, ये छोटा है 3 सेंटीमीटर का, ये 5 का था, ये 3 का है, इस पर भी ग्लू लगाते हैं हम। इसे इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पे आ गया है। ये थोड़ा सा सेटिसमेंट सही से नहीं सेट हुआ ये। ठीक है, इस तरह से सही है, इस तरह से लगा दिया हमने। दोनों वर्गों को लगाने के बाद जो हमारे ए और बी, ए लंबाई और बी चौड़ाई के जो आयत हैं, इन दोनों को भी इस तरह से इसमें सेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और हम देखते हैं इस तरह से कि हमारे जो वर्ग हैं, ये देखिए ये बिल्कुल सही से इसमें आ गए हैं, इस तरह देखिए आप। ठीक, यानी कि हमारा जो a प्लस बी इकाई का जो वर्ग था, इसमें a का वर्ग, b का वर्ग, ठीक है, और ए बी, ये ए बी है और ये भी क्या है, ए बी, तो कितने ए बी हो गए हमारे, 2 ए बी। तो a प्लस बी के वर्ग में a वर्ग आ गया, a भुजा का वर्ग है, b भुजा का वर्ग है, और ए बी के दो आयत हैं, यानी ए बी, ए लंबाई बी चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई इसकी a, चौड़ाई इसकी b। तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि a प्लस बी मतलब a लंबाई और b चौड़ाई दोनों को जोड़ के हमने जो जोड़ा था, तो आप देखेंगे अभी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए लंबाई जो हमने मान रखी थी अपनी, ठीक है, यानी कि लंबाई 5 थी हमारी, वो ये रही, और यहाँ से यहाँ तक हमने बी मान रखी है, बी बी भुजा का वर्ग, यानी 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, ये हमारी ए भुजा है, ठीक है, ये हमारी बी भुजा है, ठीक है, इसी तरह से इधर यहाँ तक हमारी ए भुजा है, और इधर ये हमारी बी भुजा है। तो कुल मिला के जो हमने वाइट पेपर पर जो वर्ग बनाया है, इसकी भुजा हुई ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी यानी पूरी लंबाई होगी इसकी ए प्लस बी।
ठीक है। इसी तरह से इसके हम दिखा देंगे यहाँ पर भी, ये हमारा इसका वर्क का नाम हो गया ए, यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं हम बी, यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं सी, और यहाँ पे नाम दे रहे हैं इसका हम डी, ठीक है। तो ए बी सी और डी भुजा का वर्ग है, इसकी लंबाई ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका वर्ग हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इस तरह से ये लगाने हैं इस पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा डायग्राम बनाने के बाद देखेंगे इस पर प्रेक्षण एवं रिकॉर्ड, प्रेक्षण रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रेक्षण रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो प्रेक्षण में हमारा क्या क्या आता है, तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देंगे यहाँ पे हम, प्रेक्षण तथा गणनाएं, प्रेक्षण तथा गणनाएं, ठीक है। तो पहला प्रेक्षण हमारा क्या आएगा कि सफेद कागज पर खींचे गए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो जब इसकी भुजा हमारी ए प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग इकाई। अब यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ वर्ग इकाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग इकाई। इसके बाद नंबर दो पे आता है हमारा चमकीले कागज पर खींचे गए ए इकाई, ए का मतलब 5 सेंटीमीटर हमने रखा हमने, ए इकाई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा, जब इसकी भुजा ए इकाई है तो हो जाएगा ए स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आप मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, ये इसमें भी वर्ग इकाई लिखा जाएगा लेकिन यहाँ जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप लिख देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लिख देना वर्ग इकाई आगे। इसका तीसरा पॉइंट आएगा हमारा इसी में चमकीले कागज पर खींचे गए बी इकाई, बी इकाई का मतलब 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसकी भुजा बी है तो क्षेत्रफल हो जाएगा बी स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है, ये लो वर्ग इकाई लिख दिया पूरा मैंने यहाँ पे। इसके बाद
चौथा पॉइंट आएगा हमारा चमकीले कागज पर खींचे गए प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी a थी उसमें, चौड़ाई b थी, तो a गुणा b वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो लिखेंगे इसीलिए चमकीले कागज पर खींचे गए चारों चतुर्भुजों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ये रहा चमकीले कागज का ए स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, ठीक है, और दो आयत बनाए थे हमने, तो एक आयत का ए बी है, तो ए बी, दूसरे का भी क्या है ए बी, ठीक है, ये इतना बनेगा चमकीले कागज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ए बी और ए बी ये हो जाएंगे टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखते हैं, अब जो हमने वर्ग बनाया था कौन सा सफेद कागज पे ए बी सी डी, का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये चारों चतुर्भुजों के चतुर्भुज के क्षेत्रफल का योग, चारों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का योग। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने देखा था कि चारों चतुर्भुज इस जो सफेद कागज पे हमने वर्ग बनाया था उसमें समाहित है, ठीक है, उसमें आ गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से जो हमारा ए बी सी डी वर्ग था उसका क्षेत्रफल था यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या आया हमारा, चार चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ये आया हमारा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए आपके चार चतुर्भुज थे हमारे, वो यहाँ पे इस ए और बी भुजा जो यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई है ए प्लस बी भुजा का जो वर्ग है इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ इन चारों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, इस बराबर होगा अकेले इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, जो हमारा ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी इस पूरे वर्ग के। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या परिणाम मिला, क्या रिजल्ट मिला, अगर हम लिखेंगे परिणाम, परिणाम में क्या आएगा हमारा कि जो सर्व समीका हमारी है सर्व समीका कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी
प्लस बी स्क्वायर, ये सही है। ठीक है, तो हमारी पहली सर्वसंख्या का सत्यापन हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरी सर्वसंख्या का भी सत्यापन करना है। ठीक है, चलिए अब हम सर्वसंख्या नंबर टू, ठीक है, नंबर टू सर्वसंख्या जो हमारी है सर्वसमिका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की जांच करना। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या आएगी हमारी, जो पहले चाहिए थी भाई आवश्यक सामग्री रहेगी हमारी, इसमें लिखना होगा भाई आवश्यक सामग्री कार्डबोर्ड चमकीला कागज सफेद कागज गोंद कैंची। ठीक है, ज्यामितीय बॉक्स लिखा है, क्रियाविधि फिर से हम भाई विभिन्न विभिन्न सबसे लिखेंगे, पहले हम भिन्न हम ए तथा बी के विभिन्न मान लेंगे, विभिन्न मान लेंगे हमारे ए तथा बी के अलग अलग मान होंगे। ठीक है, पहला सबसे काम। नंबर दो पे अब हमारा आएगा सबसे पहले, ठीक है, कार्डबोर्ड पर सफेद कागज पेस्ट करते हैं, पेस्ट करना तो चिपकाते हैं। फिर से लिखेंगे ए इकाई भुजा का एक वर्ग ए बी सी डी खींचते हैं। इस बार हम स्मॉल ए की वैल्यू 8 ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि स्मॉल ए की वैल्यू 8 है, ठीक है, और बी की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर दो पे आएगा ए माइनस बी के मान की गणना करते हैं। ए माइनस बी के मान की गणना करते हैं। अब हमने जब ए को 8 माना है, बी को 3 माना है, तो 8 माइनस 3 कितना बचेगा, 5।
गणना करते हैं। चमकीले कागज पर इसके बाद क्या करेंगे, चमकीले कागज पर दो आयत खींचते हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई ए माइनस बी अर्थात 5 सेंटीमीटर यानी 5 इकाई तथा चौड़ाई बी इकाई अर्थात 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद एक काम और करेंगे, बी इकाई यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग खींचते हैं। नंबर 3 पर अब चमकीले कागज से वर्ग तथा आयत दोनों को काट लेते हैं तथा उन्हें व्हाइट यानी सफेद कागज पर रखते हैं या चिपकाते हैं। इन्हें वर्ग ए बी सी डी के अंदर चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं या चिपकाते हैं। ठीक है, इस चित्र के अकॉर्डिंग, इस चित्र के अनुसार हम उन्हें आयत अपने आयत और वर्गों को व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, इस चित्र के अनुसार हम अपने आयत और वर्ग जो हमने काटे हैं उन्हें व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, चित्र में प्रदर्शित आरेख को नामांकित करेंगे और प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रेक्षण जो हम रिकॉर्ड करेंगे उनके कुछ बारे में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी कुछ लाइन छोड़ने के बाद प्रेक्षण तथा गणनाएं और एक चीज में आ गई अभी, इसका जो हमारा इस साइड पेपर होगा यहाँ पे व्हाइट पेपर, इस पे हमें पिछली डायग्राम की तरह यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये सेम टू सेम आपका एक और डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे अभी। ठीक है, तो मैं अभी पहले आपको ये लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम, इसका हम बाद में बना देंगे। तो प्रेक्षण तथा गणनाएं में गणनाएं होंगी हमारी, इसमें पहला लिखा जाएगा पहला पॉइंट यह है
प्रेक्षित है कि वर्ग ए ई एफ और एच का क्षेत्रफल होगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और मात्रक आएगा इसका वर्ग इकाई। इसके अतिरिक्त वर्ग ए एफ सॉरी ए ई एफ एच का क्षेत्रफल जो होगा उसे हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम हमारे वर्ग जो हमारा ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल में से किसे किसे माइनस करना पड़ेगा, आयत, ठीक है, तो हम नई लाइन से आप लिख रहा हूँ मैं इधर, आयत ई बी जी एफ का क्षेत्रफल और माइनस करना पड़ेगा हमें आयत एच एफ आई डी का क्षेत्रफल, ठीक है, तथा एक और माइनस करनी पड़ेगी हमें इसी में से, माइनस वर्ग एफ जी सी आई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्थात इसका मतलब है दैट इज अर्थात यहाँ से हमारे वैल्यू आ जाएगी ए ई एफ जी का क्षेत्रफल होगा ए माइनस बी का वर्ग बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस आयत ई वी जी एफ का क्षेत्रफल होगा माइनस का ए बी, ठीक है, यहां पर ये माइनस है ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू है ए माइनस बी इंटू बी, फिर माइनस लगाएंगे ए माइनस बी इंटू में माइनस बी स्क्वायर। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इसके अंदर गुणा होगी माइनस ए और बी की भी गुणा होगी माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सेम माइनस का ए बी, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गए हैं। अब जो यहाँ पे बचा है हमारा ए स्क्वायर माइनस का ए बी एक ये बचा है, माइनस का ए बी एक ये बचा है, तो ये हो गया माइनस का टू ए बी और प्लस का ये बी स्क्वायर, ठीक है। इधर हमारा चल रहा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सब संख्या प्राप्त हो गई है। अब लिखेंगे इसका परिणाम, ठीक है, तो परिणाम क्या होगा हमारा इसमें, परिणाम में हम लोग लिखेंगे कि सर्वसमिका कौन सी है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस
टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ लिख के पूरा हो गया। अभी इसका चित्र बनाने को रह गया है, वो हम चित्र बनाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा देखिए जरा। अब हम 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई हमारी ए होगी। जैसा कि हमने यहाँ पे नोट किया था कि हम कार्डबोर्ड पर सफ़ेद कागज़ पेस्ट करेंगे, इस पर ए इकाई भुजा का एक वर्ग बनाते हैं। तो हम बनाते हैं इस पर एक 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग। ठीक है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा है हमारी ए लंबाई की, स्मॉल ए लंबाई यानी कि 8 सेंटीमीटर की। अब हम इसमें, ठीक है, बी भुजा जो हमने माननी है अपनी, कितनी मानी है 3 सेंटीमीटर की, उसका एक वर्ग पेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। चित्र के अनुसार इसमें बी भुजा का अपना एक वर्ग हम लगाते हैं, ठीक है। और ए माइनस बी यानी ए में से जब बी घटाएंगे तो 8 - 3 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक और वर्ग हमने, ठीक है, जो ये देखो निकाल रखा है पहले, ये ए माइनस बी यानी कि 5 सेंटीमीटर का वर्ग है ये, और एक बी भुजा यानी कि 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, और दो आयत हमने काटे हैं जिनकी लंबाई ए माइनस बी यानी कि 8 - 3 यानी कि 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बी यानी कि 3 सेंटीमीटर है, एक ये है और एक ये है। इन्हें इसमें पेस्ट करना है, देख किस तरह से पेस्ट करते हैं हम, देखिए इस तरह से दोनों वर्गों और दोनों आयतों को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इनका डाटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्ग है इसकी लंबाई है ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए भाई, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमने रखी है ए माइनस बी, अर्थात 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है हमारी 5 सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे ए माइनस बी। इसकी इकाई है, ठीक है। और ये जो हमारा इधर आयत है इसकी चौड़ाई रहेगी हमारी बी यानी कि 3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे, इसे हमने बी कहा गया है इसमें, ठीक है। और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी 5 रहेगी, ए माइनस बी लंबाई का ये आयत है, चौड़ाई इसकी बी है। अब वहीं पे हमारा जो छोटा सा वर्ग बना हुआ है इसकी लंबाई 3 रहेगी यानी कि 20 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। इसी तरह से जो इधर हमारा आयत बनाया गया है इसकी भी लंबाई वही रहेगी, ए माइनस बी अर्थात 5, ठीक है। और इधर भी हमारी ये लंबाई यहाँ पे नीचे ये रहेगी हमारी, हाँ।
भी वजह रहेगी। इसी तरह से इधर ये खाना खाना आ गया। इसकी लंबाई a माइनस बी यानी कि 5 और ये लंबाई चौड़ाई रहेगी इसकी b यानी कि 3। ठीक है, इस तरह आपको सारा डाटा फिल करना है इसमें। अब आप इसका नाम नोट करेंगे तो हमारा जो मेन है यहाँ से यहाँ तक a भुजा का वर्ग, इसका नाम रहेगा a b, यहाँ पे ये c और यहाँ पर ये d। तो a b c d जो वर्ग है जिसकी लंबाई है a यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अंदर वर्ग है हमारा ये, ठीक है, पिंक कलर से, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट e। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ f। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ मैं h। ठीक है, सही से नहीं दिखाई दे रहा तो चलिए मैं इसका नाम यहाँ पे h बना दे रहा हूँ सही से। यहाँ पे ये h है हमारा। ये है हमारा एच। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम जी है। यहाँ पर पॉइंट हमारा कौन सा है, जी। इस पॉइंट का नाम है हमारा आई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई सभी पॉइंट हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। और हमारा टारगेट है इसमें, जो हमारा उद्देश्य है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ए ई एफ एच, ए ई एफ एच का क्षेत्रफल निकालने के। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह से हमारा इसमें चित्र, और आपका ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ठीक है, आपको दोनों सब संख्या लिखनी है इसमें, तभी आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा।